किसी गांव में एक साधु रहता था। वह जब भी नाचता था तभी बारिश शुरू हो जाती थी, इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती थी तभी वह लोग उस साधु के पास जाते थे और उनसे अनुरोध करते थे कि वह नाचे, और जब वह नाचने लगते थे तो बारिश भी शुरू हो जाती थी। कुछ दिनों के बाद चार लड़के शहर से गांव में घूमने के लिए आए थे। जब उन्हें यह बात का पता चला कि किसी साधु के नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ और शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दिया और कहा कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह गांव वालों ने उन चार लड़कों को लेकर साधु के कुटिया में पहुंचे। गांव वालों ने साधु को सारी बातें बताई, फिर वो लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया और नाचते नाचते आधे घंटे बीत गए। फिर पहला लड़का थक कर बैठ गया किंतु बादल नहीं दिखे। कुछ देर बाद दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और एक घंटे बीतते बीतते वह भी थक कर बैठ गया। बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया पर बारिश नहीं हुई। अब साधु की बारी थी, उन्होंने भी नाचना शुरू किया और एक घंटा बीत गया पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी रुका नहीं, वह नाचता ही रहा और नाचते नाचते दो घंटे बीत गए पर बारिश फिर भी नहीं हुई। उन्होंने हार नहीं माना, फिर नाचना शुरू किया और चार घंटे बीत गए पर फिर भी बारिश नहीं हुई। लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। धीरे धीरे नाचते नाचते शाम ढलने लगी, तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़ी ही देर में जोरों की बारिश होने लगी। यह देखकर चारों लड़के दंग रह गए और तुरंत साधु से क्षमा मांगने लगा। फिर चारों लड़कों ने साधु से पूछा कि बाबा भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई। साधु ने मुस्कुरा कर उत्तर दिए कि जब मैं नाचता हूँ तो दो बातों का ध्यान रखता हूँ। पहला कि मैं सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूँगा तो बारिश को होना ही पड़ेगा, और दूसरा कि मैं तब तक नाचूँगा जब तक कि बारिश ना हो जाए। और सफलता पाने वालों में भी यही गुण विद्वान होता है। वे जिस काम को भी करते हैं उनमें उन्हें सफल होने का पूरा भरोसा होता है, और वह तब तक उस काम को करते रहता है जब तक कि उनमें सफल ना हो जाए। इसलिए अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो इस साधु की तरह अपने लक्ष्य को प्राप्त करना होगा।